नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर कैमूर से है। कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। उन्होंने पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान बताया, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर सुशासन की सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार को न जाने कई नामों से अलंकृत किया गया, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी राजकीयकृत कॉलेज नहीं है। हमारे क्षेत्र में अघोरा पहाड़ है, जहां के बच्चे भभुआ पढ़ने जाते हैं। आसपास कोई कॉलेज नहीं है। मुख्य मुद्दा शिक्षा सिंचाई रहेगा। बाबू जगजीवन राम ने 60-70 के दशक में डेहरी से नहर को लाकर कैमूर के खेतों को पानी दिया। उस जमाने में दुर्गावती जलाशय परियोजना की सोच रखी गई, उस पर आगे बढ़ते हुए काम भी हुआ, लेकिन जब कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं हुए तो कोई काम आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब बहन मीरा जी आई तब इस पर काम फिर शुरू हुआ। कई पहाड़ी इलाकों में पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार लोगों के बारे में सोचती तो खेतों को पानी मिल सकता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। 206 कांग्रेस पार्टी से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। मुद्दा क्या रहेगा आपके? देखिए, क्षेत्र में विकास के नाम पर 15 साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि सुशासन की सरकार है, और पहले की सरकारें अब लोग कहते हैं कि वो कौन कौन राज से उसको अलंकृत किया जाता है, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में चैनपुर विधानसभा में एक भी राजकीयकृत कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ से जिला मुख्यालय से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर अधौरा पहाड़ पर जाके, अधौरा पहाड़ है, वहाँ के बच्चे पढ़ने आएंगे यहाँ सरदार पटेल कॉलेज में। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है, न चांद के बच्चों को, न भगवानपुर के लोगों को, न हाटा के लोग बच्चों को, कि वो पढ़ेंगे कहाँ। राजकीयकृत कॉलेज एकमात्र इस ज़िले में यहाँ कैमूर में भभुआ और एक रामगढ़। हम मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी कॉलेज नहीं है, राजकीयकृत कॉलेज नहीं है। वहाँ पर मुख्य मुद्दा क्या शिक्षा? हाँ, मुख्य मुद्दा शिक्षा रहेगा। किसानों को सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए। हमारे एक चीज़ है, बताता हूँ मैं, बाबू जगजीवन राम जी ने 60-70 के दशक में वहाँ डिहरी से वहाँ इंद्रपुरी बांध के और नहर को यहाँ ले आके खेतों को पानी दिया। कुछ अपस्ट्रीम में थे, दुर्गावती जलाशय परियोजना उनके कंसेप्ट में उस जमाने में, कि ये नहर का पानी उन खेतों को नहीं जा सकता है, उसके लिए उन्होंने उस जमाने में दुर्गावती जलाशय परियोजना की सोच रखी थी, और उस सोच पर आगे बढ़ते हुए बाबूजी कालकौलित हुए, देहावसान हो गया, उसके बाद वो कार्य बंद रहा जब तक यहाँ पर कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं आया। जब बहन मीरा कुमार जी आईं तो उन्होंने दुर्गावती जलाशय परियोजना को पूर्ण कराया, लेकिन आज भी बहुत से चुआ बजडी हम पड़री पतलोइयाँ ऐसे गांव हैं, दलंगड़ा पपहड़ा, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार सोचे, अगर नीयत अच्छी हो जनप्रतिनिधियों की, तो उन खेतों को पानी मिल सकता है, बबनी के खेत को पानी मिल सकता है। मुख्य मुद्दा शिक्षा भी है, प्रकाश कुमार सिंह, शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है, लोगों को रोजगार नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से मंत्री जी चुनाव में हैं जी, क्या लगता है बसपा भी अच्छा टक्कर दे रहा है? क्या लगता है क्या टक्कर दे रहा है? क्या लगता है क्या आपका जनाधार रहेगा? हमारा जनाधार, हम लोगों ने बूथ से लेके, बूथ कमेटी से लेके, अपने इस बार के चुनाव जो हम लोग आए हैं, हम लोगों ने 18 से वहाँ पर बूथ कमेटी का अपना निर्माण किया है। फ्रेश गठबंधन के साथी हैं, कम्युनिस्ट के साथी हैं, राजद के साथी हैं, सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे, और इसको हम लोग चुनाव